नमस्ते, मैं संपत राम रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। पिछले अध्याय में हमने दूसरे विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय दूसरे विश्व युद्ध के बारे में के बाद में किए गए शांति समझौते के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उन कठिनाइयों का अध्ययन करेंगे जो शांति संधियों के निर्माण में के सामने आई। उन कठिनाइयों का अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि जो विजेता राष्ट्र थे उनके बीच में पारस्परिक मतभेद काफ़ी बढ़ गया था। उस समय साम्यवादी और पूंजीवादी आदर्शों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया था। इसके साथ ही दोनों गुटों के में शीत युद्ध का श्री गणेश हो गया था, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति शत्रुता और घृणा की भावना पनपने लग गई थी। इसके साथ ही सोवियत रूस और अमेरिका दोनों ही शक्तियों में महाशक्तियों में दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा लग गई थी, छिड़ गई थी। और इसके साथ साथ ही इस बार सन 1919 की भांति कोई शांति सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, फ्रांस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई और यह निश्चय किया गया कि परिषद में शांति संधियों के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई शांति सम्मेलन होगा उसमें ये सब उपयुक्त देश शामिल होंगे, निर्णय लेंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये बात सफल नहीं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण ये चर्चा रही, क्योंकि इसके इसके द्वारा दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रस्तावों पर निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त हो गया। परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी भी निर्णय को रोक सकता था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप शांति रचना के मार्ग में भारी बाधा पहुंची। इसके साथ ही जो कठिनाई आई वो विदेश मंत्रियों की परिषद में भाग लेने वाले व्यक्तित्व अनुभव के मार्ग में भारी बाधा पहुंची। इसके अलावा कुछ समस्याओं पर महाशक्तियों में गंभीर मतभेद सामने आए। वो मतभेद उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे इटली यूगोस्लाविया के मध्य सीमाओं का विवाद आया, ट्रेस्टी इंग्लैंड की बस्तियों, डेन्यूब के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, शत्रु देशों के विदेशी सेनाओं के अठाने, क्षतिपूर्ति की राशि आदि के बारे में बहुत सारे मतभेद उभर करके सामने आए। उपरोक्त कारणों से ही महाशक्तियों में एकता और सूझबूझ का अभाव था। यही कारण है कि इटली, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी और फिनलैंड के साथ 10 फरवरी 1947 को, जापान के साथ 28 अप्रैल 1952 को, ऑस्ट्रिया के साथ 15 मई 1955 को शांति संधियों का निर्माण हुआ। महाशक्तियों के कारण जर्मनी के साथ कोई शांति संधि नहीं हो सकी। शांति समझौते के प्रयत्नों का वही हाल हुआ जो एक ऐसी गाड़ी का होता है जिसके दोनों ओर घोड़े जोत दिए हों और वे घोड़े उस गाड़ी को विपरीत दिशा में खींच रहे हों। उनमें से जो अधिक शक्तिशाली घोड़ा गाड़ी को थोड़ा थोड़ा करके आगे की दिशा में खींचने की चेष्टा कर रहा हो, आगे की ओर ले जाने की चेष्टा कर रहा हो। अब हम बात करते हैं शांति समझौते की तैयारियां, किस प्रकार से तैयारी हुई और उन तैयारियों के परिणाम स्वरूप शांति समझौते हुए। उन तैयारियों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले लंदन का विदेश मंत्री सम्मेलन सामने आता है। पोट्सडाम सम्मेलन में शांति संधियों की प्रारंभिक तैयारियों का कार्य पांच बड़े राष्ट्रों जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन के विदेश मंत्रियों की परिषदों को सौंपना निश्चय हुआ था। इसके बाद विदेश मंत्रियों की परिषद की पहली बैठक इटली के साथ शांति संधि की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से लंदन में 1 सितंबर 1945 को ये बैठक बुलाई गई। 40 दिन तक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद
इन सदस्यों को किसी भी ये सदस्य किसी भी निर्णय पर नहीं पूछे। कुल मिलाकर के लंदन का विदेश मंत्री सम्मेलन असफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप 20 अक्टूबर 1945 को लंदन सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की गई। दूसरी जो तैयारी थी वो मास्को का विदेश मंत्री सम्मेलन, 16 दिसंबर 1945 को विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक अमेरिकी राज्य सचिव बर्नेस के द्वारा सुझावों पर मास्को में बुलाई गई। इस बैठक में फ्रांस चीन के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। लंदन की उपेक्षा मास्को सम्मेलन से अधिक सफल रहा। लंदन में जो सम्मेलन हुआ वो अधिक सफल नहीं रहा, परंतु मास्को जो में जो सम्मेलन हुआ उसको अधिक सफल माना गया। इस प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को आसानी से सुलझाया गया, जो प्रश्न सामने आए हैं उनको आसानी से सुलझाया गया और उनके सुझाव भी दिए गए। मास्को सम्मेलन में जो मुख्य निर्णय लिए गए थे वो इस प्रकार हैं। क्या क्या निर्णय लिए गए मास्को सम्मेलन में? पहला निर्णय तो ये था कि संधियों के प्रारूपों को वे राज्य तैयार करेंगे जिन्होंने विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरी बात ये सामने आई कि अंतिम लेख विदेश मंत्रियों की परिषद निश्चय करेगी। तीसरी बात यह आई कि शांति संधियों पर हस्ताक्षर होने के बाद पराजित राष्ट्रों के विदेशी सेना हटाली जाएगी। अगली बात आई जापान के लिए 11वें सदस्य सुदूरपूर्ण परामर्शदात्री आयोग और 4 राष्ट्रीय परिषदों की स्थापना उनमें की जाएगी कि किस प्रकार से ये करेंगे। मास्को सम्मेलन में बर्नेस ने सोवियत रूस के प्रति जो उदारता दिखाई उसे बेबिन ने पसंद नहीं किया और इसके विदेश ब्रिटिश अमेरिकी संबंधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रूमैन ने मार्शल को बर्नेस के स्थान पर राज्य सचिव नियुक्त किया गया। अगली जो तैयारी थी वो पेरिस शांति सम्मेलन की थी। विदेश मंत्रियों की अगली बैठक जब पेरिस में 29 अप्रैल 1946 को प्रारंभ हुई, तब तक पूर्व और पश्चिम के मध्य मतभेद काफ़ी बढ़ चुके थे। इसका एक कारण राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में फुलटन में दिया गया भाषण था। अगली जो तैयारी थी वो विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक, 4 नवंबर 1946 को विदेश मंत्रियों की अगली बैठक न्यूयॉर्क में हुई। दोनों ही पक्ष प्रस्तावित संधियों को अंतिम रूप देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हुए कि हम तैयार हैं, इसके साथ ही रूप से तैयार हुए। अतः 6 दिसंबर 1946 को संधियों को अंतिम रूप दिया गया और 10 फरवरी 1947 को 21 मित्र राष्ट्रों ने 5 शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए, जो पराजित धुरी राष्ट्रों के समर्थन देशों के साथ हुई। ये 5 संधियां इटली, रोमानिया, बल्गारिया, फिनलैंड और हंगरी के साथ पृथक पृथक रूपों से की गई संधियां थी। अब आती है जो 5 संधियां, जो 5 शांति संधियां की गई हैं उपरोक्त, जैसे मैंने बताया कि ये इन राष्ट्रों के साथ में की गई हैं, जिसमें इटली, रोमानिया, बल्गारिया, फिनलैंड और हंगरी के साथ में की गई, उनका थोड़ा सा विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। और तो सबसे पहले हम जो 5 शांति संधियाँ हैं उनमें इटली के साथ जो संधि हुई है, इटली के साथ जो संधि है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें रखी गई हैं। इसमें 90 धाराएं तथा 17 परिशिष्ट थे। इसकी मुख्य व्यवस्था इस प्रकार रही कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें जो पहला प्रावधान था ये है कि इटली के प्रदेशों का विभाजन, रोम को अपने निम्न प्रदेश दूसरे राज्यों को देने पड़े, फ्रांस को छोटा सेंट बर्नार्ड का दर्रा तथा ब्रिगा टांडा प्रदेश इसको दिए गए। अगली जो आती है क्या प्रावधान रखे गए, वो इटली के उपनिवेशों की समाप्ति, इटली को लीबिया, एरिस्ट्रिया और इटालियन सोमलीलैंड में उपनिवेश छोड़ने पड़े। इसके साथ क्षतिपूर्ति दी गई।
क्षतिपूर्ति में इटली को कुल मिलाकर के 7 वर्षों में 36 करोड़ स्टर्लिंग की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, जिसमें से 12 करोड़ लाख यूगोस्लाविया को, 40 करोड़ 50 लाख यूनान को और 15 करोड़ सोवियत रूस को देने पड़े। इसके साथ ही सैनिक अनुबंध हुआ। सैनिक अनुबंध में इटली पर सैनिक दृष्टि से भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके अनुसार स्थल सेना 2.5 लाख, 200 टैंक, 36,000 नौसैनिक, 2 युद्धपोत, 4 क्रूजर, 25,000 वायुसैनिक, 200 लड़ाकू जहाज तथा 150 अन्य वायुयानों तक इटली की सेना की शक्ति को सीमित किया गया, ये पाबंदी लगा दी गई। दूसरा जो शांति संधि हुई उसमें रोमानिया के साथ की शांति संधि हुई। रोमानिया में क्या हुआ, हिटलर द्वारा दबाव दिए जाने के कारण हंगरी को 1940 में दिया गया ट्रांजिल्वानिया का प्रदेश रोमानिया को वापस मिला, किंतु उसे वे सारे विनिया और बुकोविना सोवियत रूस रूस को तथा दोबुज बल्गारिया को देने पड़े। तीसरी जो शांति संधि थी वो बल्गारिया के साथ हुई। इसमें बल्गारिया ही हारे हुए देशों में से एक ऐसा देश था जिसने अपना कोई भी प्रदेश नहीं देना पड़ा, बल्कि रोमानिया से दोब्रुज का इलाका प्राप्त हुआ। चौथी जो शांति संधि थी वो हंगरी के साथ हुई। हंगरी को ट्रांसिल्वानिया का इलाका रोमानिया को देना पड़ा, बेगोस्लोवाकिया का वही इलाका जो रिबेंट्रोप के साथ वियना समझौता 1938 के अंतर्गत मिला था, पुनः चेक राज्य को लौटाया गया। इसके अलावा डेन्यूब के दक्षिण में उसे कुछ प्रदेश चेकों को देना पड़ा। 8 वर्षों में उसने सोवियत रूस को 20 करोड़ डॉलर तथा चेकोस्लाविया और यूगोस्लाविया को 10 करोड़ डॉलर का हर्जाना वस्तुओं के रूप में देना पड़ा, कि ये इस प्रकार से ये इसका पनिश देंगे। अगली जो शांति सम्मेलन थी वो लास्ट की फिनलैंड के साथ में संधि हुई। फिनलैंड को वे इलाके स्वीकृत करने पड़े जो वह सोवियत रूस को 1940 की मास्को संधि और 1944 की युद्ध विराम संधि में दे चुका था। उसे 8 वर्षों में 30 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति सोवियत रूस को देनी पड़ी थी। उसकी थल सेना में 34,400, जल सेना में 4,500, वायु सेना में 300 आदमी निश्चित किए गए थे। इस प्रकार से फिनलैंड की ये शांति संधि हुई। कुल मिलाकर के ये 5 संधियों के बारे में जिक्र किया। धन्यवाद।